हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। और ये खुशखबरी भी है और दुख भरी खबर भी है। दुख भरी खबर क्यों है उसका अंदाजा पोस्ट देख के लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट भी बताऊंगा, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होनी चाहिए कि कब एग्जाम होगी और कब से फॉर्म डालना स्टार्ट होगा और कब लास्ट डेट है फॉर्म डालने की, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में पोस्ट बताऊंगा। पोस्ट देखने के बाद कहीं घाटे में मरा मत जाना, क्योंकि पोस्ट काफी कम है, ठीक है। तो इसलिए मैं दुख भरी खबर बोल रहा था उसको। तो पहली बात तो इधर देख लो भैया कि हाँ, विज्ञापन कब आया है, तो 30/12/2023 को आया। एक मिनट में को मार्कर का कलर ये कर लूँ, तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और आवेदन की प्रारंभिक तिथि 19/1/2024 से आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। उसकी अंतिम तिथि क्या है, 18/2/2024। आपकी परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा ये होगी 28/4/2024 को होगी, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल 28 अप्रैल में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये थी इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फालतू की चीज़ बताऊँ उससे कोई मतलब नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। इसके अलावा एक मेन चीज़ और रहती पोस्ट की, पोस्ट कितनी है ये और क्या है क्या नहीं है, और वो 13% जो आरक्षण वाला मैटर है उसका क्या सीन है, तो वो भी बता देता हूँ। देखो इधर आओ, पोस्ट टोटल जो है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा कम दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डीसी की पोस्ट तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 15। जिसके बाद में डीएसपी की बात करें अपन, ये पुलिस अधीक्षक की, तो 22 पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद में ये दो मेन पोस्ट ही रहती, इसके लिए पढ़ते ना बच्चे, बाकी सब पोस्टों को देखते नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कर करके ये सारी पोस्ट आ जाएगी आपकी, 1, 2, 3, 4 ऐसी करके टोटल 60 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 60 आपके हिस्से की नहीं, मत टेंशन लेना इतना, ठीक है। क्यों नहीं है भैया हमारे हिस्से की, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखो इधर फटाफट फुर्ती से, इनने 60 पोस्ट निकाली है, ठीक है। मात्र उसमें भी क्या किया है, जो आरक्षण था ना 13% वाला सीन, उनके लिए रिजर्व कर दी कितनी, 7 पोस्ट। ये देखो 7 पोस्ट, ठीक है, 7 पोस्ट उनके लिए रिजर्व है। बाकी आप जो कर सकते हो, मतलब फॉर्म वॉर्म डाल के और जिस पे सिलेक्शन लोगे, तो आप इनमें आओगे 53 पोस्ट में। तो कुल मिला के 53 पोस्ट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। भैया ये 7 पोस्ट का क्या होगा, 7 पोस्ट का ये होगा कि कोर्ट ने अभी जैसे अभी और 13% लोगों का रोका है, इस बार जो 19 वाला था उसमें रोका है, ठीक है। तो ऐसे भी सिलेक्ट होंगे ना, उनमें भी रोकेंगे, ठीक है। कितने लोगों को, 7 लोगों को रोकेंगे, बाकी लोगों को पोस्टिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो इनको भी पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लटके हैं फिर तो लटके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसलिए मैं बता रहा था कि अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी। अच्छी खबर यूँ है कि जिन लोगों का अभी प्री में कोई सुधावा नहीं पड़ा, उनने के 1-2 नंबर से रह गए, हम तो अब क्या करें, तो अब प्री में अब दे लेना, क्योंकि पढ़ा हुआ है, रिविजन करके देना है। निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, जीवन पर्यंत पढ़ना तो है ही सही। और अगर मान लो किसी को ऐसी खुशी हो रही कि भाई यार प्री आ गया, तो भैया 53 पोस्ट कुल मिला के 60 पोस्ट है एक्चुअल में देखा जाए तो 60 पोस्ट में क्या कर लोगे। हालांकि अभी जो एक तरीके से मैंने जितने भी दोस्त यार से बात की, तो उनका एक ही कहना है कि पीएससी की जो पोस्ट स्टार्टिंग में आती है वो नशे में आती है। नशे में मतलब मन से लिख देते कहाँ कितनी पोस्ट निकालनी, बाद में वो बढ़ती है, ठीक है। तो अभी जो दोस्त यार सब बताते हैं वो बोल रहे हैं कि अभी जो पोस्ट आई है वो नशे वाली पोस्ट आई है, एक्चुअल पोस्ट बाद में आएगी, तो हो सकता है बढ़े, हो सकता है क्या, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन और पोस्ट देख के आपको खुशी हुई कि दुख हुआ वो कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन पूरा बांच के बताऊँ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि जो देने वाला पढ़ने वाला वो तो पूरा पढ़ ही लेगा, और जिसको कोई मतलब नहीं वो सिर्फ डेट देखता है और पोस्ट देखता है, तो वो दो चीज़ मैंने आपको बताई दी है। अब आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और चुपचाप शांति से पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहिए वो मैं दे चुका हूँ, अब घंटे बनो, एक घंटे का वीडियो बना दो, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इतना झेल लिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। खुशी हुई कि दुख हुआ इसको सुन के, ये कमेंट में बता देना, ठीक। बाय बाय।